अभी आपने देखा, कभी कभी इसका साउंड बिल्कुल गायब हो जाता है और फिर से इसको ऑफ ऑन करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि इसमें ये रेडियो ऑन हो पाया है। ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है सेट के साथ। गुड मॉर्निंग, अभी मेरे पास है एक्सेस डेटा का D109 और इसको मैं काफ़ी दिन के बाद बाहर लेके आया हूँ और काफ़ी दिन से मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लगभग 1 वीक से ज़्यादा हो गया है। ये है मेरा रिसेंटली लॉन्च्ड एक्सेस डेटा का D220, D220 है ये और ये D109 है। दोनों पे भी ट्यून करेंगे रेडियो सिलोन को और देखते हैं कि किस पे परफॉर्मेंस बेटर है। हालांकि इसमें एक थोड़ी सी आवाज़ सूसू की आती है, लेकिन देखते हैं कि वो कितना इम्पैक्ट करता है और क्या फ़र्क पड़ता है उससे। इस पर हमने ट्यून कर दिया है 11905 किलोहर्ट्ज़ पे और वॉल्यूम देंगे आप सुन पाएंगे रेडियो सिलोन को। इस पर एक फ़ायदा है कि एक फीलिंग आती है कि मैं एनालॉग रेडियो को ट्यून कर रहा हूँ। ऑल्दो ये एनालॉग नहीं है, लेकिन एक फीलिंग सी आती है जब आप इसको ट्यून करते हैं और निडिल देखते हैं घूमते हुए, आपको लगता है कि मैं रेडियो ट्यून कर रहा हूँ, ऐसा फील होता है। ये प्लस पॉइंट लगा मुझे इस रेडियो का। इस पर हमने ट्यून कर दिया है मैनुअली और वॉल्यूम देते हैं, देखिएगा इसका रिसेप्शन कैसा है। रेडियो सिलोन का सुबह के बज रहे 7:40। और अब चलते हैं इस पे, देखिए हमने इस पे शॉर्ट वेव पे डाल रखा है बैंड को और ट्यून करते हैं इसको। और 11905 किलोहर्ट्ज़ पे है तो ये इन दोनों के बीच आएगा, देख लीजिए आप। और इसमें जो आप ट्यून करते हैं वो थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। वॉल्यूम वाला भी बटन थोड़ा सा अपोजिट है और ये भी। देखते हैं कि ट्यूनिंग में कितना इजीली पकड़ पाता है रेडियो सिलोन को एक्सेस डेटा D220। आपने देख लिया, इजीली पकड़ लिया, लेकिन इसमें हल्की सी सूसू की आवाज़ आ रही है, जो कि कुलदीप यादव जी ने कमेंट करके बताया था कि इसमें सूसू की आवाज़ है। तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, लेकिन जब मैंने इसको ट्यून किया है तो आइडिया लग गया, सूसू की एक अलग सी आवाज़ आती है। और यही फ़ायदा होता है कि एक अगर अनुभवी लोग अगर कमेंट करें तो उनको सीरियसली लेना चाहिए। और उन्होंने जैसे ही बताया तो मुझे लगा कि ये मेरे लोकेशन पे इशू है, लेकिन अब मैं अपने वापस से अपने पुराने लोकेशन पे आ गया तो देखिए इस पे वो सूसू की आवाज़ नहीं है। और इस पे सुनिएगा वो आवाज़ आएगी। इस पे फिर से आपको सुना देते हैं। और ये थोड़ा सा एनॉइंग लगता है कि जब आप इसके वॉल्यूम को अप करते हैं तो आपको ऊपर करना पड़ता है, और अगर आप इसके वॉल्यूम को अप करेंगे तो आपको नीचे करना पड़ेगा। अभी आप सूसू की आवाज़ क्लियरली सुन सकते हैं। अभी आपने देखा कि कभी कभी इसका साउंड बिल्कुल गायब हो जाता है और फिर से इसको ऑफ ऑन करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि इसमें ये रेडियो ऑन हो पाया है। ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है सेट के साथ। अभी आपने जस्ट देखा होगा कि जैसे ही मैं इसको वॉल्यूम अप डाउन करने लगा तो आवाज़ एकदम से गायब हो गई, फिर जब तक मैंने इसको ऑफ करके ऑन नहीं किया आवाज़ नहीं आया। रिसेप्शन बिल्कुल साफ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, रिसेप्शन बिल्कुल ही साफ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे सूसू की आवाज़ आ रही है, लेकिन इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बाकी स्टेशन के साथ भी चेक करेंगे कि उसमें भी ये इशू है या नहीं है और फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। और अगर आप लोगों में से किसी के पास
ये रेडियो है, तो प्लीज़ अपने रेडियो सेट में रेडियो सिलोन ट्यून करें और चेक करें कि क्या ये अलग से जो आवाज़ आ रही है सुसु की, वो आप में भी आ रही है नहीं आ रही है, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।